टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे किसके बारे में, बिटुमिन्स मैकाडम यानी बीएम, ये एक हमारी लेयर होती है डामर की, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट चीज इसमें कि हमारा जो डामर हमारा रहेगा कौन सा, बिटुमिन की ग्रेड, ये ग्रेड हमारी कौन सी होनी चाहिए, 60 से 70, अलग अलग जगह होती है, 60 70 हमारी ग्रेड हो गई। ठीक, दूसरे में हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, कि हमारा टेम्परेचर कब कितना होना चाहिए। ठीक, तो पहला तो मिक्स को करेंगे किसको, मटेरियल को हमारे मिक्स करेंगे, ठीक, तब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए मैक्सिमम 165 डिग्री सेल्सियस। ठीक, दूसरी चीज कि जब हमारा लेइंग करेंगे, टेम्परेचर की बात हो रही है, लेइंग के समय हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम, ये मैक्सिमम था, मिनिमम होना चाहिए कितना, 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तीसरी हमारी चीज आती है इस पर रोलिंग करते समय हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तीसरी चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल्स का जो टॉलरेंस ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए +6 mm से -6 mm। ठीक, इतना होना चाहिए, यानी हमारी जब लेयर जब हम रोलिंग करेंगे तो लेयर हमारी कितनी, 6 mm प्लस या 6 mm माइनस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चौथी चीज यहाँ पर फील्ड डेंसिटी टेस्ट, इसमें कितना आना चाहिए, 98% हमारा कॉम्पैक्शन आना चाहिए। ठीक, और ये कितना होता है, 1 test per 250 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, जो हमारे बिटुमिन्स रहेगा, बिटुमिन मैकेडम बीएम, इसके बारे में बताया हमने। ये लेयर कब डलती है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लो हमारा EGL, उसके बाद ये हो गया OGL,
ये हमारी फर्स्ट लेयर सबग्रेड की, ये सेकंड लेयर डाल दी हमने, ठीक, सबग्रेड की, ये 0.2 की, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये तीसरी लेयर हमने काई की डाल दी, जीएसबी की डाल दी, और जो चौथी लेयर हमारी ये काई की डाल दी हमने, जीएसबी 15 सेंटी, ठीक, और जो चौथी लेयर हमारी ये काई की डाल दी हमने यहाँ पर WMM की, ठीक, और जो पांचवी लेयर आएगी हमें क्या करना, BM करना। ये जो पांचवी लेयर हमारी रहेगी ये हमारी रहेगी BM की 85, 85 सेंटीमीटर, ठीक, यानी 0.085 मीटर। ये हमारी ये लेयर हो गई। यहाँ पर ये लेयर आती है, इस लेयर के बारे में बता, जब हम रोड बनाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में देखा, जब रोड बनाते हैं तब ये हमारा शोल्डर एरिया है, ठीक, साइड शोल्डर, तो ये रोड बनाते हैं तब हमारे बिटुमिन्स की ग्रेड कौन सी है, हमने कौन सी ली, 60-70 की ली। पहली बात, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ग्रेड देखेंगे, दूसरा टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ये मटेरियल में मैक्सिमम, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जब मटेरियल को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, ये मटेरियल को हम जब मिक्स करते हैं तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 165 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और जब इसको यहाँ मान लो कि हमने मिक्स किया, ये प्लांट है हमारा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर हमारी साइड है, साइड पर लाने के बाद में इस रोड पे डालने के लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस समय, 125 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक, लेइंग के समय। और जब लेइंग हो जाती है तो लेइंग होने के बाद में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारा प्लांट है, प्लांट से हमारी साइट पर आया मटेरियल, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारा कितना, 165 मिक्स के समय, और यहाँ से हमारी साइट पर आ गया रोड पर डलने के लिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इसी जगह जब हम रोलर चलाएंगे इस पर, तो इस पे रोलिंग, हमारी रोलिंग करते समय कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक, इससे कम होगा तो हम रोलिंग नहीं करेंगे, या फिर ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक, या फिर पिक्सल फटने लग जाएंगे इसमें, इसलिए कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, टॉलरेंस, लेवल का टॉलरेंस कितना होना चाहिए, 6 mm प्लस और माइनस, ठीक। फील्ड डेंसिटी हमारी कितनी आनी चाहिए, 90% कम से कम, और ये होता है वन टेस्ट कितने, 250 स्क्वायर मीटर एरिया में एक टेस्ट होता है इसका, ठीक। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया मैंने आपको, थैंक्स।